बड़े बड़े उलमा को मसाइल नहीं आते। हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा शेखुल कुल आता था, यहाँ पाकिस्तान में उसके हजारों खलफा मुरीद थे। हमारी मस्जिद में तकरीर किया, उसने कहा अजान तजवीद से देना चाहिए। यही बात बेनोरी टाउन में भी कही दारुल हदीस में, किसी ने जवाब नहीं दिया। जब यहां कही तो मैंने रोक लिया। मैंने कहा तजवीद खासा ही किताब है, न कि अरबियत है। फिर तो खुलासा और मुनिया और नूरलिजा और नहमीर भी तजवीद से पढ़नी पड़ेगी। अजान भी तजवीद बेहतर तो है, ये कोई मसला नहीं। और ये मस्जिद ने इससे पहले एक और मस्जिद थी छोटी, वो बनी थी नई नई, तो उनसे पूछे कि इसके फर्श में कोई मट्टी का तेल वगैरह डाला है? तो हमारे खजानची साहब ने बहुत डाला है, बहुत जुल्म किया है, बहुत बुरा किया है। मस्जिद में प्याज और लहसुन खा के आना मना है, तुमने इसके फर्श में तेल क्यों डाला है मट्टी का? मैंने आहिस्ता से उन्हें कहा, मैंने कहा खुलासतुल फतावा में लिखा है कि मस्जिद के बिना में जानवरों के गोबर डालना का गारा बनाने में जायज, बशर्ते कि वो मगलूब हो और बदबू ना। खुलासा में लिखा है। तो जो चीजें मस्जिद के अहकाम में, इसको अहकाम कहते हैं, पक्के करने में जरूरी है, वो अफवा है और माफ है। इसी तरह कई मसाइल थे, जब वो यहां पहुंच जाते थे तो हम उन्हें रोक लेते थे। फिर बांग्लादेश और अफ्रीका खत लिखते थे कि ये मसला हमारा गलत हो गया। तो जब अहले इल्मों को लगाम नहीं है तो तबलीगान गरीबाना से क्या गिला है कि वो तो अपने तबलीग निसाब में डूबे रहे, यही बहुत बड़ी बात। बहुत जमाना हो गया तबलीगी जमात के उलमा आए, ये बड़े बड़े सेठों के बेटे मौलवी हुए, बहुत छोड़े छोड़े कपड़े का कारोबारी और फला का कारोबारी, और सब तकरीबन हमारे बड़े इदारों से फाजिल होते हैं। बस वो फाजिल ही होते हैं, बस अला इम्तिहान तक होते हैं, फिर मौलवी नहीं होते। फिर जितनी गोथी होती है अंकल होती। मौलवी होने के लिए कोई मेडिकल कर रहे तो डॉक्टर बनता है क्या? मौलवी होने के लिए बहुत पापड़ बेलने होते, सारी जिंदगी मश्क करनी पड़ती है, सारी जिंदगी। 20वां साल तर्जमा और तफसीर का है इसका, और 20वां साल दौरे हदीस का। अब भी एक एक चीज देख के आना होगा। मदरसे से पढ़ लिया और बस मौलवी हो गया, तो याची उलूली मुलाशी और याची उलूली बलाशी। खुशाल खान खटक ने कहा है, पढ़कर या आलिम बनेगा या आफत बनेगा। याची उलूली मुलाशी और याची उलूली बलाशी। तो चार पांच मोटे मोटे मजबूत अच्छी सेहत वाले लहम शहम वाले फजर की नमाज में आए, नमाज पढ़ाई मैंने, नमाज के बाद मुख्तसर सा दर्स हुआ, फिर वहां सामने बैठ गए चारपाइयों में, हमें नाश्ता मंगवाया। मुझे कहते हैं तबलीग से आपका ताल्लुक बहुत जरूरी है। ताल्लुक के दर्जे में तो है लेकिन आना जाना जरा मुश्किल है। नहीं, जब तक वहां नहीं जाएंगे ना तो दीन नहीं खुलेगा। मैंने कहा दीन कोई कमरे में बंद है क्या कि बाहर से ताला लगा हुआ है? दीन तो खुला हुआ है। जिस दिन से मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कहने लगे नहीं जब आप जाएंगे तो आपको। मैंने कहा आप तो जा रहे हैं ना? उन्होंने कहा। मैंने कहा आप पर दीन खुल गया है? कहा। मैंने कहा ये बताओ कि ये जो नाश्ता है इसके सुन्नत बयान करें आप। मैंने कहा, उन्होंने कहा हाथ धोना। मैंने कहा ये बिस्मिल्लाह पढ़ना दो, दाएं हाथ से खाना तीन, अपने सामने खाना चार, थोड़ा थोड़ा खाना पांच, खुदा 9-10 गिन लिए। मैंने कहा बुनियादी सुन्नत क्या है? और वो मालूम है तुम्हें, ये प्लेट में पड़ा हुआ क्या है? अगर ये 11वीं की न्याज हो, कूंडा हो, कबर का माहौल भी ले गैर लाओ, ये कौन बताएगा? ये आपकी सुन्नतों में नहीं आएगा। ये वो जो हमसे पढ़ेगा वो बताएगा कि भाई ये बिस्मिल्लाह से हलाल नहीं होगा। जैसे खिंजीर को ज़बह करने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो क्या वो अफगानिस्तान का बछड़ा बन जाएगा क्या? तेरे कलमा पढ़ने से ये कौन कहेगा कि ये जो बर्तन में सालन है ये खिलाफ शरा है और शरीयत ने इसके इस्तेमाल से मना किया है? तामुरून बिलमारूफ, हुक्म करोगे नेकियों का जरूरी है, वतनहौना अनिल मुनकरी और रोकोगे बुराइयों से। मारूफ कहते हैं जो दीनी काम हो, और मुनकर करते हैं वो जिस जो दीन में ओपरा हो, ओपरा
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. देखो فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. यूसुफ ने भाइयों को पहचाना और भाई नहीं जानते थे.